और जो आवास के स्वीकृति पत्र हैं वो उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा श्री अनिल विश्वास, रेणुका बाला जी आइए, चलिए। मनोज कुमार मंडल, अनुरूपा वैद, सत्यजीत सरकार, निरूपा, रविन्द्रनाथ विश्वास, जयमाल विश्वास, अनिता दत्त, सागोरी, सत्तर में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। हस्तिनापुर में एक सूत मिल में इन्हें नौकरी दी गई। ये लगभग 407 परिवार थे। 1984 में सूत मिल बंद हो गई और सूत मिल के बंद होने के बाद कुछ परिवारों का पुनर्वास अलग अलग जगहों पर देश के अंदर हुआ, लेकिन ये 65 परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते इन 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। दो परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए थे और 63 परिवार बचे थे। हम आज 38 साल से प्रयास कर रहे हैं। कोई सा भी ये शासन शक्ति हमारे सामने आए, हम लोगों को कोई नहीं देखा। आज तक हम लोगों को कोई पूछा भी नहीं, हम लोगों को कोई घर में जाके देखा भी नहीं। किसी का घर में बर्तन है, कोई माँ बहन के कपड़े हैं, कोई माँ बहन खा रहे हैं कि जी रहे हैं, ऐसे भी नहीं देखा। आज मैं मुख्यमंत्री जी को ये जो हम लोगों को बुलाया है कि आभारी, ये जो है जो 7 नीति, 7 मनोभावना और 7 प्रोसेस चल गई, ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा नेता आज तक स्वाधीनता 1947 में जो स्वाधीनता हुई है और स्वाधीनता के बाद आज तक नहीं देखा गया। जिसके कारण आज मैं एक और कानपुर देहात में ये करता हूँ। मैं कम से कम आज तक 76 जिला में राजस्व परिषद, हमें ये क्या कहा गया था, आप देखो जमीन देखो कहीं पुनर्वास विभाग की जमीन है कि नहीं। हम 76 जिला सब जाएगा जाके छानबीन की, कोई नहीं मिले, लेकिन कानपुर देहात में 161 जमीन हमें पुनर्वास विभाग के नाम पर मिला था। वहां के डीएम साहब, वहाँ के और जो कुछ भी तहसील रसूलाबाद के थे, उन्होंने सारे हमारे मदद की, फिलहाल भी जो एसडीएम साहब वहाँ के हैं
वहाँ के जो बीडीओ साहब हैं, वहाँ के एडीओ साहब हैं, वहाँ के नायब साहब तहसीलदार जी और पटवारी कानगो साहब, ऐसे जैसे हम लोगों को गोद दिया, गोद जैसे आदमी लोग गोद लेते हैं, इस तरीके से हम लोगों को वहाँ पर जमीन भी दिखाए, उस तरीके से हम लोगों को आगे ये करने का उन्होंने सहायता करने का भी मौका और सहायता करने का मतलब आश्वासन भी दिया है। इसमें हम सब ऐसा है कि मैं कभी मैं वक्तता कभी दिया नहीं, ना यह जिंदगी का पहले दिन है आज, इसीलिए कि मैं आज क्या नाम हमारे खटी जी का, मैं और सौरत राय दो आदमी ये थे, उन्होंने मैंने कहा कि हमारे तेसठ परिवार को वोट देंगे, उन्होंने कहा क्या तेसठ परिवार वोट देंगे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं देखता हूँ, मैं वोट हमारे वहाँ कम से कम बंगालियों को 35 गांव है, मैं दूसरा मैं आज तक आज ये वोट के आज जीता हूँ मैं, लेकिन मैं खटी जी का घर और नहीं गया, मैं जीता के जाऊंगा, ये मेरा सिद्धांत था जिंदगी का, तो मैं जीताया और आज मेरे खटी जी आज ये हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके घर तक जाने का मौका नहीं मिले, मैं ऐसा ये सहारे जो यह है पटवारी जी के साथ आज 5-6 दिन जुगाड़ करके मैं अपना माँ बहन और सबको यहाँ पर लेकर आए। आज हमें आज हमारे दिल जैसे मोदी जी कहते थे 56 इंच होने चाहिए, तो मैं आज ये बीजेपी पार्टी के इस दर्जा पे खड़े होके मैं इतना मेरा हौसला और इतना मेरा छाती बढ़ गए, मैं 56 इंच हो गया।